करी है। इनविजिबल टीयर्स इन माय आईज, आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर इमोशनल एट द सेम टाइम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू डूइंग वेल। मीट रश्मि। हाय। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर दोज पीपल जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं इन जैसे, और तो इसमें हम बात करेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको चैलेंजेस फेस होते हैं, या फिर पहले बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, यू नीड अ फ्लाइट टिकट एंड अ वीज़ा, और उसके बाद आपकी जो भी एयरलाइन है, यस ऑफ कोर्स अ मास्क, और उसके बाद जो भी आपकी फ़्लाइट टिकट है आप या तो सीधा काउंटर पे जाके पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन काउंटर, या फिर आप यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और सीधा प्रोसीड करिए लाइन में और सीधा चेक इन। सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ में रखें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपका वीज़ा, आपका टिकट और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आज कल रिक्वायर्ड ज़्यादा पड़ रहा है तो हाँ उसको रखना पड़ेगा। तो चलो सीधा चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है, चेक इन बैगेज कैसे दिए जाते हैं, बोर्डिंग गार्ड कैसे मिलता है, इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिल गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि बॉडी गार्ड के बाद हम जाते हैं सीधा इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन से अब क्वेश्चन जो भी होंगे मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, वीज़ा चेक होगा, होटल, और बेसिकली यही पूछा जाता है कि क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे, बट जो भी होगा विल गेट टू नो अबाउट दिस। तो चलो सीधा चलते हैं। एज सुन एज आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक पे जाना होता है, जहाँ नॉर्मली आपकी फ्रिस्किंग होती है, आपके बैग्स वगैरह चेक होते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं आप इतनी हैपनिंग जगह पे, ये है ड्यूटी फ्री, दिल्ली ड्यूटी फ्री वन ऑफ माय फेवरेट ड्यूटी फ्री में से एक है, बहुत पसंद है मुझे क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। दो आई डोंट ड्रिंक बट हाँ है थोड़ा, जब आपके पास टाइम होता है आपको घूमने में अच्छा लगता है, लाइटनिंग अच्छी है, फ़ोटोज़ अच्छी आ रही है, वीडियोज़ अच्छी आ रही है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स। और चलो देखते हैं, कुछ अगर समझ आता है तो विल हैव समथिंग, अदरवाइज सीधा इसके बाद जाएंगे लाउंज में, और भूख तो बहुत ही ज़्यादा तेज लग रही है, राइट? तो कुछ खाएंगे। मैं हमेशा यहीं पे खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, लास्ट वाली वीडियो भी यही थी फुकेत की। आज फिर मैं लेट हो रहा हूँ बोर्डिंग गेट के लिए, खाने के लिए बैठ गए थे और कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं देखा है तो मैं भी औरों के लिए औरों की तरह बोल देता हूँ, इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ डाल दूंगा और जाके फॉलो करो और देखो। बाकी फ्लाइट में चल के बात करते हैं, नहीं तो आज तो फुल आसार है छूटने के। यल्ला हबीबी, वेलकम टू दुबई। तो फाइनली वी आर इन दुबई एंड अभी इमिग्रेशन क्रॉस हुआ है, कुछ नहीं पूछा, ये अलग ही जोन में चल रही है आज। या सो अभी इमिग्रेशन क्रॉस किया, कुछ भी नहीं पूछा, नॉर्मली पासपोर्ट लगाया, इनफैक्ट वीज़ा तक नहीं देखा, इनके पास ऑलरेडी डिटेल्स होती हैं। सेकेंडली जब फ्लाइट में से उतरे थे तब भी और कुछ होता नहीं, अभी बैग्स वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं यूजुअली, टू चेक कुछ ऐसा तो नहीं लेके आ रहे जो अलाउड नहीं है दुबई में, दिस एंड दैट। बस अब बैगेज बेल्ट पे हैं, एक बार बैग्स पिक कर लें उसके बाद सीधा निकलेंगे होटल के लिए। होटल है हमारा जिबोरा, वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, और रास्ते में थोड़ा आपको दिखाएंगे बिल्डिंग्स।
56 dirhams. So, अब ये करेंसीज खुल रही हैं यहाँ की, बहुत पैसा है मेरे पास. 56. There you go, sir. So, 56 dirhams का मतलब हो गया समवेयर क्लोज टू 1100-1150 रुपये. ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, जब दूसरी कंट्री में आते हैं तो हार के हेयर. होटल पहुंचा, अभी कह रहे हैं कि वेट करो, बहुत बहुत हालत बुरी हो रही है यार हमारी, बट और नींद आँखों में भरी हुई है बट कुछ नहीं कर सकते. चलो वेट करते हैं और उसके बाद फिर रूम में जाएंगे, होपफुली रूम बढ़िया हो और जो भी होगा आपको व्यू दिखाता हूँ मैं. दिस इज़ जिबोरा वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल, सो एनी विच वेज जहाँ भी रुकेंगे 65th फ्लोर के अब अभी होगा. आई गिव यू द रूम टूर एंड आई हैव स्टेड इन दिस प्रॉपर्टी सो मेनी टाइम. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगर आप बजट से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में रुकना चाहेंगे तो आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस शेख ज़ायद. सब कुछ आसपास है और ऑन टॉप ऑफ दैट जिबोरा, एक बार आप गूगल करके देख लेना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी के बारे में. वेरी 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 फाइन प्रॉपर्टी आई वुड से इन द इंटायर दुबई इस प्राइस में. ये आई थिंक 6,000-6,500 पर नाइट कॉस्ट कर रहा है विद ब्रेकफास्ट. बाकी आप देखो उस टाइम रेट चेंज हो तो आई कैन नॉट अश्योर यू फॉर दैट. मैं जब भी आया हूँ मैं इसी में स्टे किया है और बहुत बहुत कर्टियस स्टाफ, बहुत बहुत अच्छा है. मैं आपको अपने होटल का रूम टूर देता हूँ. दिस इज जिबोरा, वेरी वेरी फाइनेस्ट होटल इन द एंटायर दुबई. थोड़ा एक्सपेंसिव है बट व्हेन इट कम्स टू द लग्जरी बहुत मस्त है. इट इज़ अ वेरी बेसिक वॉशरूम बट ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया. और आई हैव अ पर्सनल बाथटब, मुझे बड़ा पसंद है. एंड यहाँ पे आई गोना कुक समथिंग, मे बी लाइक लेट्स सी, पोहा होगा, मैगी वगैरह कुछ लेके. अगर आप भी आ रहे हो तो आपके लिए भी ये सब हो सकता है. कम्फर्ट कोजी बेड विद द सच एन अमेजिंग व्यू, पूरा शेख ज़ायद रोड दिख रहा है यहाँ से. अभी रात की कुछ क्लिप्स डालूंगा मैं इसमें, यू डेफिनेटली गोना लव इट. प्लस हाँ, थोड़ा सा साइड से दिख रहा है बट व्हेन इट कम्स टू द बुर्ज खलीफा भी रात को शाम को जब शो होगा वो अलग ही हैपनिंग बना देगा इस जगह को. सो फॉर एनी रीजन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में जहाँ पे दुबई में और जो भी जगहें हैं वो सब कवर करेंगे. और आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे. अगर कोई भी सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. तक के लिए बाय, टेक केयर.